कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद हमने वादा किया था कि जब भी पहली कैबिनेट होगी, सरकारी कर्मचारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, अधिकारी जिन्होंने विकास के नए मील और आयाम स्थापित किए हैं, उनको हमने पूरा खाका तैयार कर लिया है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। हम पूरा बजट के साथ कल हम अपने सरकारी कर्मचारियों को जो उनकी मांग थी, जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी मांग में कहा, वो कल आपको देखने को मिलेगा। मैं तो कह सकता हूँ पिछली सरकार ने तो जनता को ठगा है, सच बता रहा हूँ। ये ठग सरकार की उपाधि दीजिए ने। इस सरकार ने क्या किया कि 5 साल में ना भत्ते दिए, कर्जे पर कर्जा चढ़ाया, 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। मेरा आपने वक्तव्य आज सुना है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे ठगना नहीं चाहिए सरकार को। 9,000 संस्थान खोल दिए यशवंत सिंह परमार, नहीं सॉरी माफी चाहूंगा, 900 संस्थान खोल दिए यशवंत सिंह परमार थे, उन्होंने धीरे धीरे संस्थान बनाए, रामलाल जी ने उसको मजबूत किया, वीरभद्र सिंह जी और शांता कुमार जी ने उसको धार ली और धूमल जी ने भी उसको मजबूत किया, जयराम जी ने भी 4 साल तक इन संस्थानों के सारे काम किया। 4.5 साल में ऐसी 6 महीने में ऐसी क्या देवीय शक्ति आ गई, 900 संस्थान एकदम खुले, ना बजट का प्रावधान किया, बस खोल लो, इस बार चुनाव जीतना है। और खजाने को लाखों रुपए का चूना लगा, जनता को ठगा है। ये पिछली जो सरकार थी ये ठग सरकार थी। रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर भी बातचीत हुई है हमारी, और उस दृष्टिकोण से हम अभी एक प्रेजेंटेशन मंत्रियों के सामने भी करने जा रहे हैं। आपने ठीक कहा, खजाना बिल्कुल खाली है। हमें अभी इस धर्मशाला विधानसभा में बजट कर्जा लेने के लिए बिल लाना पड़ा, क्योंकि खजाने में पैसा ही नहीं है। अब हमें सत्ता मिली हो, उन्होंने ये सोचकर कि अगर हम आ गए तो हमको दिल्ली से मदद मिल जाएगी, ये आ गए तो ये कर्जे के नीचे इतने दब जाएं कि कुछ ना करें, लेकिन हम फैसले करेंगे और हिमाचल के लोगों के प्रति फैसले करने में हम हमेशा आगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।